सुरेश, क्या आप हमें बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स ले चलेंगे? 2014 का साल, इंग्लैंड का टूर शुरू होने में अभी कुछ हफ्ते बाकी हैं, और वहां पर एक रिटायर्ड क्रिकेटर, अगर बहुत ही फ्लैट और थोड़ा सा सस्पेंस बिल्ड करने के क्रम में कहूँ, रिटायर्ड क्रिकेटर हैं जो आपको गाइड करने आते हैं, रेगुलरली आते हैं, और जो आपके लिए बहुत इंस्पायरिंग है। आप अगर हमारे व्यूअर्स को उस कहानी का छोटा सा कुछ हिस्सा बता सकें। नहीं बिल्कुल, मैं प्रैक्टिस करने गया था बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में। मैंने सचिन पाजी को मैसेज किया और सचिन तेंदुलकर पाजी ने मुझे बोला। मैंने कहा पाजी यहाँ पर मुझे प्रैक्टिस करना है, मुझे इंग्लैंड टूर पे जाना है और मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ 2 हफ्ते स्पेंड करें। तो उन्होंने बोला बिल्कुल सुरेश, आप आओ और मेक श्योर कि यू गेट योर प्रॉपर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मिलेगी आपको। तो वो 2 हफ्तों में मैं काफ़ी प्रैक्टिस किया हम लोग का, काफ़ी वन-ऑन-वन बातें हुई, काफ़ी मेंटल टफनेस की बातें, काफ़ी टेक्निक की बातें, काफ़ी उनके एक्सपीरियंस जो उन्होंने इतने साल इंग्लैंड इंग्लैंड जैसी कंट्री में रन बनाए हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि उससे अच्छा कोई गुरु नहीं हो सकता था, कि मेरा टूर इम्पोर्टेंट टाइम चल रहा था और हम लोग टेस्ट सीरीज हार चुके थे, इंग्लैंड में वनडे स्टार्ट होने वाले थे। तो फिर वो बार बार यही बोलते कि बिलीव योर सेल्फ, यू कैन डू इट, यू हैव डन इट इन पास्ट, बट आपको थोड़ा सा ट्यूनिंग करो, फोकस रखो, और मुझे लगता है कि आप पहले ही मैच में 100 रन बनाओगे, मुझे ऐसा फील है। और जब उन्होंने बार बार बिली बोला तो हमारे एक दोस्त है लखनऊ में, उनका नाम है टुम्पा दी, प्रियंका उनका नाम है, तो वो टैटू बनवा रही थी हमारे घर पे, उनका घर था उधर। तो मैंने सोचा कि मेरे जहन में था कि क्या टैटू बनवाऊँ, मैं बार बार सोचता। फिर मैंने पाजी के बारे में, जब पाजी में बार बार बिलीव बोल रहे थे, तो फिर मैंने ये टैटू बनवाया था, मेरा फर्स्ट टैटू था ये उधर ही। और जब मैं उधर गया तो मैंने फर्स्ट मैच में 100 बनाया, तो तुरंत में जब मैंने अपना स्विच ऑन किया फ़ोन, तो पाजी का मैसेज आया कि दैट्स यू, यू बिलीव्ड इन योर सेल्फ एंड यू बिलीव्ड यू कैन डू इट। तो वो स्टोरी मुझे मुझे याद है, इसलिए ये बिलीव शब्द मेरे लाइफ के लिए, मतलब काफ़ी सारे लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि बिलीव, अगर विश्वास नहीं होगा आपके अंदर किसी भी चीज़ से पहले, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मैंने उस चीज़ को अच्छे से समझा, उस चीज़ को मैंने अपने जहन में रखा, और मैं सपोर्टिव रहा और पॉजिटिव रहा और बिलीव करता गया कि मैं जो भी मेहनत करूँगा सर इन्जॉय करूँगा, अच्छे से अपना 100% देने की कोशिश करूँगा, और वो सीरीज जीते और मुझे मैन द टूर्नामेंट मिला इंग्लैंड में, और हमारी हिंदुस्तान को जीत मिली, तो इससे बड़ी कोई खुशी नहीं थी मेरी। थोड़ा सा और फ्लैशबैक में चलते हैं, जब अतुल रानाडे ने आपको पहली मर्तबा सचिन पाजी से इंट्रोड्यूस करवाया। जी जी बिल्कुल, वो मुझे याद है, मैं एयर इंडिया में जॉब करता था उधर, अभी भी करता हूँ, और हम लोग उधर टाइमशील ट्रॉफी मैच खेल रहे थे। मैंने आई थिंक 200 रन बनाया था, 240 या 235। तो अतुल भाई की टीम से मैच था बॉम्बे कस्टम से, तो शाम को जब मैं खेला तो उन्होंने, सचिन पाजी प्रैक्टिस करने आए थे MIG में, तो मैंने, अतुल भाई ने मुझे बोला कि सुरेश तुमने बहुत अच्छा बैटिंग की, तो मैंने कहा हाँ अतुल भाई थैंक यू सो मच। और मुझे ये नहीं पता था कि वो सचिन के बहुत क्लोज फ्रेंड है वो, जी मुझे किसी ने एयर इंडिया टीम में बोला कि ये सचिन के, वो भी मैंने उनसे बोला कि पाजी मुझे सचिन पाजी से मिलवा दो। कह रहे शाम को वो आएंगे प्रैक्टिस करेंगे, डेफिनेटली मैं उनसे मुलाकात करवाऊंगा। फिर पाजी से मिले, फिर उन्होंने बोला कि हाय सुरेश कैसे हो आप, तो मतलब वो 2-3 शब्द ने मुझे लगा कि जब सचिन तेंदुलकर जैसे इंसान इतने हम्बल बैकग्राउंड से हैं और एक एक ऐसी जगह से हैं जो हिंदुस्तान के लिए खेल सकते हैं, तो मैंने कहा हम लोग क्यों नहीं खेल सकते वो। तो उस टाइम पे जिस तरह से उन्होंने मॉडेस्टी तरीके से बात किया, इतना एकदम एक जो फैन मोमेंट था मेरे लिए, वो लगा ही नहीं कि फैन मोमेंट है, मुझे ऐसे लगा कि कोई बड़ा भाई है जो छोटे भाई के एक रहन सहन के बारे में पूछ रहे हैं कि कैसे हो आप। तो बड़ा अच्छा लगा मिलके। तो उस दिन से मैंने ठान ली कि मुझे भी इनके साथ खेलना है, और ऊपर वाले की दुआ से, माँ बाप के आशीर्वाद से, आप लोग भाई लोगों के प्यार से, वो दिन दूर नहीं थे। फिर मैं इंडिया टीम को रिप्रेजेंट किया, तो फिर पाजी को वो बड़ा अच्छा लगा कि सुरेश अभी टीम में आ गए।